हेलो फ्रेंड्स, आज हम थिन बिटमस लेयर्स की एक सीरीज में एक नई लेयर की बात करेंगे। वो है मिक्स सील सरफेसिंग और MSS। MSS को प्री मिक्स कारपेट का अल्टरनेट भी कहा जाता है और समझा जा सकता है। और चूंकि अपने देश में हॉट मिक्स प्लांट की संख्या काफी हो गई है, तो ऐसा सोचा गया कि क्यों ना एक हॉट मिक्स ऐसा तैयार किया जाए जो प्रीमिक्स कारपेट और सील कोट दोनों की प्रॉपर्टी को एनकम्पास और इनकॉर्पोरेट करता हो। और इसलिए MSS का कोड IRC ने 2008 में एक IRC SP78 के फॉर्म में पब्लिश किया। सो MSS क्या है? MSS एक क्लोज ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट है और प्रीमिक्स सरफेस है जो 20 मिलीमीटर की थिकनेस में डाला जाता है, और इसको आप एज ए सरफेस लेयर और वियरिंग कोर्स की तरह यूज करते हैं। और जनरली लो वॉल्यूम रोड्स, यानी जहां पर ट्रैफिक 10 MSS से कम हो, वहां मिक्स सील सर्फेसिंग को काफी प्रीफर किया जाता है। मिक्स सील सर्फेसिंग क्या है? ये ग्रिल्ड एग्रीगेट्स प्री मिक्स्ड विद बिटमस बाइंडर, जो कि पहले से तैयार किए हुए बेस या सरफेस के ऊपर डाला जाता है एज पर IRC SP78 2008 या सेक्शन 508 MORTH स्पेसिफिकेशन 5th रिवीजन 2013 के हिसाब से। मिक्स सील सरफेसिंग और क्लोज ग्रेडेड प्री मिक्स सरफेसिंग दो तरह की होती हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जनरली क्लोज ग्रेडिंग होती है, क्लोज ग्रेडेशन होती है, और इसको अडॉप्ट किया जाता है उन एरियाज में जहां रेनफॉल 150 सेंटीमीटर पर ईयर से ज्यादा हो। टाइप बी रिलेटिवली ओपन ग्रेडेड मिक्स है और इसको उन एरिया में प्रेफर किया जाता है जहां की रेनफॉल 150 सेंटीमीटर पर ईयर से कम हो। और एक बात ध्यान रखिए कि MSS जो है वो एक रेसिपी टाइप मिक्स है, इसका कोई डिजाइन नहीं होता। मार्शल मेथड मिक्स डिजाइन जो हम यूज करते हैं बाकी लेयर्स के लिए, DBM या BC या बिटमस मैकेडम के लिए, MSS में ऐसा कोई डिजाइन यूज नहीं होता। तो मटेरियल्स MSS बनाने के लिए वही सब हैं जो किसी भी बिटमस लेयर के लिए आप यूज करते हैं, यानी कि बाइंडर और एग्रीगेट। IS-73 के हिसाब से आप पेविंग ग्रेड बाइंडर भी यूज कर सकते हैं, और अगर मॉडिफाइड बाइंडर यूज करते हैं तो वो एज पर IRC SP53 यूज होगा। अगर टैक कोट की जरूरत है तो रैपिड सेटिंग कैटायनिक बिटमस एमल्शन कंफॉर्मिंग टू IS-887 भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक अपने पहले वीडियो में प्राइम कोट और टैक कोट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको प्राइम कोट और टैक कोट में क्या मटेरियल यूज होता है और कितना मटेरियल यूज होता है उसके बारे में जानकारी मिल सके। जनरल गाइडलाइंस जो बाइंडर को यूज करने की IRC कोड्स में दी हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि जहां ट्रैफिक इंटेंसिटी आपकी 500 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे से कम है और टेम्परेचर वेरिएशन पूरे साल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, वहां पे आप 60-70 बाइंडर यूज कर सकते हैं। जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ट्रैफिक इंटेंसिटी 500 CVPD से कम है, वहां पे 80/100 बिटुमेन भी यूज किया जा सकता है। लेकिन 80/100 बिटुमेन हमेशा हम हाई अल्टीट्यूड एरिया में या स्नो बाउंड रीजन्स में करते हैं, वहाँ चाहे ट्रैफिक कम हो या ज़्यादा हो उसकी परवाह नहीं करते, बल्कि सिर्फ क्लाइमेट के बेस पे 80/100 चूज कर लेते हैं। IS-73 में भी कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि बाइंडर को किस तरीके से चूज किया जाए बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहाँ इस कॉलम में है लोएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर, अगर वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है या -10 और उससे कम है, और इसी तरीके से ये हाईएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर <(20) 20 से 30 या 30 से ज्यादा। तो इस मैट्रिक्स से आप चूज कर सकते हैं विस्कोसिटी ग्रेड बाइंडर और पेविंग ग्रेड बिटुमन, VG10, VG20 और VG30। ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं। और इसी तरीके से IRC SP53 में मॉडिफाइड बाइंडर के बारे में भी गाइडलाइंस दी हुई है। ये कॉलम हुई है -10 और हायर और लोअर देन -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रो भी वही है -20, 20-30 और मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज
कि हमें कौन सा बाइंडर यूज करना है। PMB मतलब पॉलीमर मॉडिफाइड बाइंडर, NRMB नेचुरल रबड़ मॉडिफाइड बाइंडर, एंड CRMB क्रम रबड़ मॉडिफाइड बाइंडर। तो उसका ग्रेड आप यहां से यूज कर सकते हैं। अब एग्रीगेट जो MSS में यूज होता है वो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट दो तरह के होते हैं। कोर्स एग्रीगेट के बारे में ये कहा गया है कोड में कि उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हार्ड टफ और यूनिफॉर्म क्वालिटी के हों, और ये कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जैसे या तो इम्पैक्ट वैल्यू या एब्रेजन वैल्यू, दोनों में से एक जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो 30% इम्पैक्ट वैल्यू या 40% एब्रेजन वैल्यू। फ्लैकनेस इंडेक्स शुड नॉट बी मोर देन 25%। स्ट्रिपिंग वैल्यू 5% मैक्सिमम, या कहिए कि मिनिमम 95% कोटिंग रहनी चाहिए, और वाटर एब्जॉर्प्शन 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन 1% से ज़्यादा है तो उस केस में साउंडनेस टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और साउंडनेस टेस्ट आप सोडियम सल्फेट से कर सकते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट से कर सकते हैं, और 5 साइकिल के बाद ये मैक्सिमम लॉस इन वेट जो डिफाइन किया गया है। फाइन एग्रीगेट जो कि आपका 2.36 मिलीमीटर सीव से पास होता है, वो भी क्रश्ड रॉक हो सकती है या नेचुरल सैंड हो सकता है या दोनों का मिक्सचर हो सकता है। बट फाइन एग्रीगेट बी क्लीन फ्री फ्रॉम इंजूरियस सॉफ्ट और फ्लकी पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक और डेलीटरियस सब्सटेंसेस, ये MORTH में दिया हुआ है। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट मिलाने के बाद जो ग्रेडिंग आपको चाहिए टाइप ए और टाइप बी के लिए वो इस तरह से होना चाहिए। ग्रेडिंग इसमें एडजस्ट होनी चाहिए और हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो फाइनल ग्रेडिंग आप यूज करें वो इस रेंज का मिड पॉइंट के आसपास रहे ताकि आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिल सके। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल 10 मीटर स्क्वायर रोड सरफेस के लिए, और MSS जो है वो 20 मिलीमीटर थिकनेस में डाली जाती है, तो 20 मिलीमीटर थिकनेस और 10 मीटर स्क्वायर रोड सरफेस एरिया टाइप ए और टाइप बी में एग्रीगेट की क्वांटिटी बताई गई है 0.27 मीटर क्यूब, और बाइंडर 22 किलो टाइप ए के लिए और 19 किलो टाइप बी के लिए। तो अब आप देखिए कि अगर आपका ये बाइंडर है और ये एग्रीगेट है तो आप किस तरीके से उसको एक तरीके से डिजाइन करते हैं। तो 10 मीटर स्क्वायर एरिया में 20 मिलीमीटर थिकनेस अगर आप लेते हैं तो इसका वॉल्यूम हुआ 10 × 20 / 1000, बिकॉज मिलीमीटर में है ये, उसको मीटर में करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.2 मीटर क्यूब। एग्रीगेट 0.27 मीटर क्यूब, बिटुमेन 22 kg, और ड्राई एग्रीगेट की जो बल्क डेंसिटी होती है वो 1200 से लेके 1750 kg पर मीटर क्यूब तक वेरी करती है। तो मान लें अगर हम जस्ट इस एग्जांपल के लिए कि आपकी जो एग्रीगेट की बल्क ड्राई डेंसिटी है वो 1500 kg पर मीटर क्यूब है, तो 0.27 मीटर क्यूब एग्रीगेट इंटू 1500 उसकी डेंसिटी 450 kg, बिटुमेन 22 kg, टोटल मिक्स हुआ 427 kg। तो 427 kg में 22 kg आपका बिटुमेन है, तो 22/427 5.15% बाई वेट ऑफ टोटल मिक्स आपका बाइंडर कंटेंट आ गया, और डेंसिटी लेयर की 427 kg डिवाइड बाई 0.2 मीटर क्यूब उसका जो वॉल्यूम है जो लेयर का, तो ये आई 2135 kg पर मीटर क्यूब और 2.135 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि लेयर की डेंसिटी क्या होगी और उसका बाइंडर कंटेंट क्या होगा। लेकिन इसको निकालने के लिए जरूरी है कि आप एग्रीगेट की जो बल्क डेंसिटी है वो ठीक तरीके से निकालें। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको ये लेकर दिखाया है। इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की। IRC SP 78/2008 में कुछ वेदर के बारे में गाइडलाइंस दी हुई हैं कि MSS को कब यूज नहीं करना चाहिए, और इसमें लिखा है कि जब आपका रेन्स हो रहे हो, बारिश हो रही हो, या आपकी सबग्रेड या बेस जिसके ऊपर आपको ये डालना है वो नमी हो उसमें, तब आपको MSS नहीं डालना चाहिए, या फिर जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर छाव में 10 डिग्री से कम हो तब भी MSS का कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। तो इन कंडीशन के साथ MSS का कंस्ट्रक्शन होता है। तो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस।
जहां पे आपको जिस सरफेस के ऊपर जिस कोर्स के ऊपर आपको एमएसएस डालना है, सबसे पहले उसको तैयार किया जाता है। और तैयार करने का मतलब यह है कि उसकी शेप ठीक हो, उसको यूनिफॉर्म ग्रेड में लाया जाए, उसकी प्रोफाइल ठीक करी जाए, अगर उसमें कहीं पॉटहोल है या कोई डिप्रेशन है उनको भर के उनको प्रॉपर कॉम्पैक्शन किया जाए, और उसके बाद उस सरफेस को पूरी तरीके से क्लीन, झाड़ू से क्लीन किया जाए ताकि उसमें कोई भी डस्ट या कोई फॉरेन मटेरियल ना हो। अगर आपकी टॉप सरफेस जिस पे आप एमएसएस डाल रहे हैं वो ग्रेनुलर लेयर है तो प्राइम कोट भी जरूरी हो जाता है, तो उसमें प्राइम कोट भी लगाना चाहिए। अगर प्राइम कोट की जरूरत नहीं है, अगर आपका टॉप सरफेस ऑलरेडी ब्लैक टॉप सरफेस है, तब प्राइम कोट की जरूरत नहीं है, उस केस में आप सीधे टैक कोट डाल सकते हैं। और प्राइम कोट के ऊपर भी टैक कोट डालना है, टैक कोट या तो आप पेविंग बिटुमन की डाल सकते हैं यानी कि वीजी ग्रेड बाइंडर की डाल सकते हैं या एमर्सन की डाल सकते हैं। अगर आप पेविंग ग्रेड बिटुमन यूज कर रहे हैं तो उसको ऐसे टेम्परेचर तक हीट करते हैं जहां की उसकी विस्कोसिटी लगभग 2 पॉइंट्स के बराबर हो जाए, यानी कि वो स्प्रेड करने लायक हो जाए। और अगर आप एमल्सन यूज कर रहे हैं तो एमल्सन का टेम्परेचर जनरली 20 डिग्री से 70 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और एमल्सन की क्वांटिटी 0.2 2.35 केजी पर स्क्वायर मीटर। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइम कोट और टैक कोट के बारे में मेरा दूसरा वीडियो है, इसमें काफी डिटेल आपको मिल जाएंगी इन दोनों लेयर्स के बारे में। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द मिक्स, आप एमएसएस का मिक्स तैयार करें और एमएसएस का मिक्स या तो मैकेनिकल मिक्सर में या हॉट मिक्स प्लांट में ही तैयार किया जाता है। तैयार करने के लिए बिटुमेन को आप एक सेपरेट टैंक में एप्लीकेशन टेम्परेचर तक हीट करते हैं, एग्रीगेट्स को एक दूसरे टैंक में हीट करते हैं ड्राई, और फिर उनको ड्राई मिक्स करते हैं लगभग 15 सेकेंड तक के लिए, और उसके बाद हॉट बिटुमेन उसमें ऐड करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म मिक्स तैयार हो जाए। जो एग्रीगेट का टेम्परेचर या बिटुमेन का टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। जनरली बाइंडर जो होता है आपका बिटुमेन जो होता है मिक्सिंग के टाइम पे उसका टेम्परेचर 150 से 163 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और एग्रीगेट का टेम्परेचर 155 से 163, यानी कि लगभग लगभग बराबर दोनों से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि इन दोनों के टेम्परेचर में कभी भी डिफरेंस जो हो वो 14 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और MORTH स्पेसिफिकेशंस में और IRC SP78 में इस तरह की टेबल दिया हुआ है जिससे आप ये चूज कर सकते हैं कि बिटुमेन के ग्रिड के हिसाब से क्या उसका टेम्परेचर होना चाहिए, क्या एग्रीगेट का टेम्परेचर होना चाहिए, मिक्स का क्या टेम्परेचर हो, लेइंग टेम्परेचर और रोलिंग टेम्परेचर, और मॉडिफाइड बाइंडर के लिए भी दिया हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि रोलिंग जो है इस टेम्परेचर के पहुंचने से पहले ही आपकी खत्म हो जानी चाहिए। रोलिंग मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द मैट कूल्स टू दीज मिनिमम टेम्परेचर्स। उसके बाद जब आपका मिक्स तैयार हो गया तो उसको तुरंत जो है साइट पे ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए सुटेबल व्हीकल को यूज करके, चाहे ट्रक चाहे ट्रेलर कुछ भी आप यूज करें, उसको साइट पे ट्रांसफर करें। और ट्रांसफर करने के तुरंत बाद स्प्रेडिंग एंड रोलिंग, यानी कि मिक्स को प्रॉपर तरीके से मैकेनिकल पेवर स्प्रेडर एंड ग्रेडर के सहायता से उसको स्प्रेड किया जाए और जहां जहां आपको कुछ अनइवन सरफेस दिखाई दे उसको ठीक कर लिया जाए। स्प्रेडिंग के बाद उसकी रोलिंग करते हैं, 8 से 10 टन स्मूथ व्हील्ड टंडम रोलर यूज करके उसकी रोलिंग करते हैं। और जैसा कि हर बिटुमेनस लेयर में होता है कि रोलिंग हम जो है एज से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, और रोलिंग तब तक चलती रहती है जब तक के रोलर्स के मार्क्स दिखाई देने बंद ना हो जाए या लेयर का कॉम्पैक्शन बंद ना हो जाए, कंप्लीट कॉम्पैक्शन हो जाए। उसके बाद आप रोड को ट्रैफिक के लिए ओपन कर सकते हैं जैसे ही मिक्स की टेम्परेचर जो है एम्बियंट टेम्परेचर या कहिए कि वातावरण के जो टेम्परेचर है जो आपका एयर टेम्परेचर है उसके बराबर आ जाए तो आप लेयर को और रोड को ट्रैफिक के लिए ओपन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो क्वालिटी कंट्रोल है वो MORTH स्पेसिफिकेशन में भी दी हुई है, क्या क्या टेस्ट करने होते हैं, MORDU भी दी हुई है। मेरा भी एक अलग से वीडियो है
इसमें मैंने क्वालिटी कंट्रोल इन बिटुमिनस लेयर्स पार्ट थ्री है वो मैं डिस्कस किया है कि क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। ब्रीफली मैं आपको बताऊं कि MORTH की जो गाइडलाइंस हैं, स्पेसिफिकेशन है 2013 की, या MORD की जो है 2014 की, उसमें ये टेस्ट दिए हुए हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए MSS लेयर के लिए। क्वालिटी ऑफ बाइंडर एज पर IS 73 और IS 217 और IS 887, और जैसे कोड में दिया हुआ है वैसे आप उनको टेस्ट करें। MORD 2014 गाइडलाइंस कहती है 1 टेस्ट पर लॉट या 1 टेस्ट पर 10 टन्स ऑफ मटीरियल। एग्रीगेट के ऊपर टेस्ट इंपैक्ट वैल्यू या एवरेजन वैल्यू, दोनों में से कोई भी एक, और ये फ्रीक्वेंसी है 1 टेस्ट पर 200 मीटर क्यूब एंड विद द चेंज ऑफ सोर्स। MORD में लिखा है 1 टेस्ट पर 250 मीटर क्यूब एंड विद चेंज ऑफ सोर्स। फ्लकीनेस इंडेक्स स्पेसिफाइड है MORD में, एंड कंबाइंड फ्लकीनेस एलोंगेशन इंडेक्स है स्पेसिफाइड MORTH में। ये टेस्ट हम करें 1 पर 100 मीटर क्यूब एंड विद चेंज ऑफ सोर्स, और यहाँ फ्रीक्वेंसी यही है 1 टेस्ट पर 250 मीटर क्यूब। स्ट्रिपिंग वैल्यू एंड वाटर एब्जॉर्प्शन 1 फॉर ईच सोर्स, एंड यहाँ है 1 सेट ऑफ 3 फॉर ईच सोर्स। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट 2 टेस्ट पर डे और 1 टेस्ट पर 50 मीटर क्यूब और 1 टेस्ट पर डे। बाइंडर टेम्परेचर रेगुलरली चेक करना है। बाइंडर कंटेंट 2 टेस्ट पर डे या 1 टेस्ट 500 मीटर क्यूब कंस्ट्रक्शन में या 1 दिन में 1 टेस्ट। थिकनेस रेगुलरली। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जो भी कुछ कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।